नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं टैरो कार्ड विद कृष्णा में। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की राशि कैंसर यानी कर्क राशि और देखते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि के लिए दिसंबर 2018। हर बार की तरह सबसे पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास आ रहा है वो है द शैरियट, दूसरा कार्ड है पेग ऑफ द वंड्स, तीसरा कार्ड आ रहा है द स्टार, चौथा है द डेविल और पांचवा कार्ड हमारे पास आया है एस ऑफ द पेंटिकल्स। एक कार्ड अपराइट में लेते हैं, अपराइट कार्ड आया है सिक्स ऑफ द सॉर्ड्स और रिवर्स में आपके लिए आया हुआ है अनएक्सपेक्टेडली द फूल। तो चलिए कर्क राशि देखते हैं कि कैसा रहने वाला है दिसंबर 2018 आपके लिए। देखिए दिसंबर 2018 आपके लिए बड़ा ही बढ़िया रहने वाला है, बहुत ही बेहतरीन मेरे हिसाब से है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। बेहतरीन इसलिए है कि ये बहुत सारी आपकी गलतियों को ठीक करने वाला है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने वाला है, बहुत सारी नादानियों और ना की जाने वाले कामों के हुए नुकसान की भरपाई करने वाला है। हालांकि इस महीने आपको एक चैलेंज भी मिलेगा। चैलेंज आपको पहले बता देता हूं। चैलेंज ये मिलेगा कि इस महीने कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जो आपको तुरंत से पता हो कि अगर आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपका एक नया गोल सेट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नए गोल को पकड़ने और अचीव करने के लिए जो विल पावर, जो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आप में अभी नहीं दिख रहा। इस समय आप एक पेशो पेश की स्थिति में हैं। आपको लगता है कि लोग आपके ऊपर रूल कर रहे हैं, लोग आपको अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, आपके साथ जुड़े ज्यादातर लोग आपको कंट्रोल करके रिमोट से ऑपरेट करना चाहते हैं। देखिए प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं बताऊंगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि इस प्रॉब्लम में आप फंसे कैसे। प्रॉब्लम शुरू हुई जब आपने लोगों को अपने ऊपर हावी होने दिया। सबसे पहली बात, आप जानते थे कि आपको क्या करना चाहिए लेकिन आपने अपने कंफर्ट जोन को चुना, और कंफर्ट जोन को चुनने की वजह से आज आप इस प्रॉब्लम में फंस गए हैं। उसके अलावा जब आपको नादान या मासूम बने रहना चाहिए था, उस समय आप नादान या मासूम नहीं बने रहे, और जब आपसे अपेक्षा की जा रही थी कि आप एक बुद्धिमत्ता का परिचय देंगे, आपने बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया। इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से आज आप एक अनप्लीजेंट सिचुएशन में आ गए हैं। अच्छा, हालांकि ये सिचुएशन उतनी अनप्लीजेंट उतनी नहीं है इसलिए क्योंकि इस सिचुएशन में आना सौभाग्य की बात है। द डेविल की शरण में आप हैं। द डेविल की शरण में आना सौभाग्य की बात कैसे है, मैं इसे एक लाइन में स्पष्ट करूं। द डेविल ईश्वर का काउंटर पार्ट है, उन्हीं का एक बुरा रूप है। अच्छा, चूंकि ये कार्ड मेजर अरकाना से, टैरो कार्ड्स में मेजर अरकाना जो 22 कार्ड है उनसे रिलेट रखता है, तो द डेविल का जो सीधा सीधा रिलेशन जोड़ा गया था या जोड़ा गया है वो मिस्र की सभ्यता के एनिबस या ग्रीक देवता हेडीस के साथ है। अब ग्रीक देवता हेडीस या एनिबस को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं तो जिससे आपको जान करके थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि इस मुसीबत के दौर में भी आपको छोड़ा नहीं गया है। हेडीस या एनिबस वो देवता थे जो इविल को पनिश करते थे, इविल को पनिश करने वाला डेविल। बिल्कुल ठीक, यानी ये बुरे नहीं हैं, ये बुरे लोगों को सजा देते हैं। आप अगर बुरे हैं तो आपको सजा देंगे। अगर हिंदू धर्म में इनको जोड़ा जाए तो शनि देवता, जी हाँ, डेविल वो देवता हैं जो इविल को पनिश करते हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्या आप इविल हैं। आपकी प्रॉब्लम यह है कि किसी एक पर्सन के चक्कर में, मैं लव अफेयर्स की बात नहीं कर रहा, हालांकि कुछ मामलों में लव अफेयर्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन किसी एक पर्सन के चक्कर में उस एक पर्सन को सही साबित करने के लिए आप अपने आप को कितने टाइम तक गलत साबित करते रहोगे? कहीं तो रुकोगे, कहीं तो ब्रेक दोगे। अगर आप ब्रेक नहीं देते हो तो सिचुएशन आपके हाथ से चूंकि निकल चुकी है, पूरी तरह से निकल जाएगी।
अच्छी चीज यह है कि सिक्स ऑफ द स्वॉर्ड्स का कार्ड आपके लिए आया है जो एक रिफॉर्मेशन को दिखाता है। हालांकि यह रिफॉर्मेशन सिक्स ऑफ द स्वॉर्ड्स की वजह से थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसमें करीब 1 से 2 महीने का टाइम लगेगा। इस 1-2 महीने का जो टाइम लगेगा उस टाइम में आपको हस्तक्षेप करने की परमिशन नहीं दी जा रही है, यानी कि जो भी रिफॉर्मिंग आपकी लाइफ में चल रहा है ये शुरुआत में आपको हो सकता है अनप्लीजेंट लगे, जैसा कि अभी अनप्लीजेंट लग रहा है फ्यूचर में थोड़ा और अनप्लीजेंट लगेगा। इस अनप्लीजेंटनेस को एक्सेप्ट करिए। द फूल के कार्ड का एक इंटरप्रिटेशन अभी बाकी है जो मैं आपको बताऊंगा, आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। सबसे पहले मैं डिफाइन करना चाहूंगा एस ऑफ द पेंटिकल्स को। एस ऑफ द पेंटिकल्स यहां पर आया हुआ है और जो बताता है कि आपके लिए एक चैलेंज इस दिसंबर के महीने में आ रहा है। चैलेंज है ये कि आप अपनी लाइफ में नया चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया चाहते हो तो रिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, और अगर आप अपनी लाइफ के पुराने ढर्रे से खुश हो, अपनी उस पुरानी सिचुएशन में बने रहना चाहते हो, तो रिफॉर्मिंग के चांसेस खत्म हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस खत्म होता चला जाएगा। द फूल का कार्ड ये बता रहा है। अब अगर आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो रिफॉर्मेशन शुरू होती है। द फूल का कार्ड जो रिवर्स में है वो एक एडवाइस दे रहा है, एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। सिचुएशन क्या क्रिएट कर रहा है? रिफॉर्मेशन जैसे ही शुरू होगा आपका अपने ऊपर से विश्वास और हट जाएगा। अच्छी चीज यह है कि ईश्वरीय शक्तियों के ऊपर विश्वास थोड़ा बढ़ जाएगा। जब अपने ऊपर से विश्वास हट जाए और अपने ऊपर विश्वास करना हो तो द फूल की मदद लीजिए। द फूल, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये एक मस्खरा व्यक्ति है जो पहाड़ की चोटी पर फूल हाथ में लिए ऊपर देखते हुए कदम आगे बढ़ा रहा है, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि उसका अगला कदम उसके जीवन में क्या लाएगा। क्या वो खाई में गिरेगा या वो खाई उतनी गहरी भी नहीं है जितनी हमें एक पिक्चर में दिख रही है। एक छोटा सा डॉगी उसके बगल में। खैर, मैं कार्ड के इंटरप्रिटेशन पर नहीं जाता हूं क्योंकि वो आपको थोड़ा बोरिंग लग सकती है। मैं वो बताता हूं आपको जो कार्ड मुझे दिखा रहे हैं। ये बता रहा है कि आपको अपने ऊपर अपनी डिवाइन शक्तियां, जो आपको ईश्वर ने शक्तियां दी हुई हैं, आपकी विल पावर, आपकी सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, उस पर आपको विचार करना होगा और उसको आपको और डेवलप करना होगा। इसके अलावा द स्टार का कार्ड भी आपके लिए आया है जो बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ नया जो आएगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा पीछे के समय में आया था, जिसे आपने निग्लेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया। हालांकि आप कई बार डिसीजन लेने में गड़बड़ हो जाते हो। कर्क राशि, आप एक बार जो डिसीजन ले लेते हो उससे पीछे नहीं हटते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आपको पीछे हटना चाहिए। देखिए, पीछे हटने का मतलब ये नहीं है कि आपकी इंसल्ट होगी या लोग आपको गलत समझेंगे। लोग तो हमेशा गलत समझते हैं। अभी कौन सा लोग आपको सही समझ रहे हैं? अभी भी तो लोग आपको गलत समझ रहे हैं। तो अगर आपने कोई डिसीजन लिया और वो डिसीजन सही नहीं है तो उससे पीछे हटने के लिए ये सही समय है। पीछे हट जाइए, अपने कदम को पीछे खींच लीजिए। अब मैं बताता हूं, जैसे ही आप अपने कदम को पीछे खींचते हो, जो सराउंडिंग इंटरप्रिटेशन है, कदम पीछे खींचा, सराउंडिंग के इंटरप्रिटेशन मेरे चेंज हो गए। अब जो इंटरप्रिटेशन आ रही वो मैं आपको बता रहा हूं, चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी, प्रतिष्ठा आपकी समाज में बढ़ जाएगी। द डेविल का कार्ड आपके सपोर्ट में पहले भी था, अभी भी है। एक बार अगर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ गई तो डेविल उस प्रतिष्ठा को बरकरार रखने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एनिबस या हेडीज की अगर बात करें तो ये जो डेविल वगैरह होते हैं ना, ये बड़े ईगो वाले होते हैं, इनको ईगो को थोड़ी सी हवा दीजिए और बस अपना काम निकाल लीजिए। सामाजिक प्रतिष्ठा के ये भूखे होते हैं। द डेविल आपके फेवर में है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा अगर नहीं है, धूमिल हो रही है, तो हेडीज को लग सकता है कि उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है और वे आपको परेशान करेंगे, मुसीबत में डालेंगे। लेकिन अगर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है तो डेविल उसे एंजॉय करता है और उस प्रतिष्ठा को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। टैरो कार्ड बिल्कुल ऐसा ही है, हम ईश्वर और शैतान दोनों की बातें करते हैं। तो आपको कदम पीछे खींचना चाहिए। अगर आपने पहले नहीं पीछे खींचा था तो अब खींचने का समय है। अब अपने कदम को पीछे खींचिए, पुरानी गलतियों को ठीक करिए। कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। लोग तो अभी भी कुछ कह रहे हैं यार, लोग तो कुछ भी कहते हैं, लोगों का काम है कहना। फिल्मी गाना हो गया।
हाँ, मैं एक सजेशन लेने वाला था क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स आपके लिए। हाँ, थ्री ऑफ द वंड्स का कार्ड आपके लिए आया है। अगर आप अपने कदम को पीछे लेकर के अपनी पुरानी गलती को दोहराने की बजाय, पुरानी गलती पर चलते रहने की बजाय उन्हें सीधा करते हो, सही करते हो, तो थ्री ऑफ द वंड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि दुनिया आपके कदमों में होगी। तो एंजॉय करिए, अपनी गलती पर बैठकर थोड़ा विचार करिए, उस गलती को सुधारने के लिए अपने कदम को पीछे खींचिए। अगर लोगों को हर्ट करना पड़े तो उन्हें हर्ट करिए। द डेविल का कार्ड आपके फेवर में है, द डेविल का कार्ड आपके फेवर में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को सेट करने के लिए इस महीने जो चाहे वो कर सकते हैं, किसी का बुरा भी थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं, उसकी भी आपको पूरी पूरी परमिशन और छूट है। दोस्तों, आपके लिए ये था दिसंबर 2018 का राशिफल। मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। टैरो कार्ड विद कृष्णा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। ओके, नमस्कार।